हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानने वाले हैं MI Note 4 Qualcomm CPU के बारे में। तो इसमें प्रॉब्लम ऐसा है गाइस के हमारे एक व्यूवर ने हमें कमेंट किया है और पूछा है हमसे, सर इसके डिस्प्ले डायग्राम के बारे में बताइए, नोट 4 में तकलीफ आ रही है ज़्यादातर डिस्प्ले ब्लैंक की। तो हमने डिस्प्ले ब्लैंक की भी वीडियो बनाया है और डिस्प्ले लाइट का भी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए, ये नोट 4 का हमारा LCD कनेक्टर है। वैसे मोबाइल बहुत ओल्ड हो चुका है गाइस, तो फिर भी हमारे एक व्यूवर के कमेंट की वजह से हमने इसे वीडियो को बनाया है। तो देख लीजिए इस तरीके से ये कनेक्टर है और ज़्यादातर इसका सप्लाई CPU में गए हुए। तो इसमें गाइस मैंने ये नोट 4 बहुत सारे बनाया है, इसमें ज़्यादातर CPU ही इसका ड्राई होता है ज़्यादातर जब ब्लैंक डिस्प्ले होता है फ़ोन। तो डिस्प्ले लाइट से उसका कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि डिस्प्ले ब्लैंक जब हो जाता है टोटल तो लाइट वगैरह सब बंद हो जाता है। तो आप CPU को हल्का पेस्ट लगा के हीट मार के हल्का शेक कर दीजिए, आपका फ़ोन 101% ऑन होगा। डिस्प्ले लाइट के लिए भी हम आगे लेके चलते हैं आपको कि आगे हमारे डिस्प्ले लाइट सेक्शन पे। तो डिस्प्ले लाइट में ज़्यादातर ये सप्लाई इसमें जाता है, PMI 8952 में जाता है। तो देख लीजिए इस तरीके का सप्लाई यहाँ पे गया हुआ है। तो बस ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, ये कंपोनेंट वगैरह कुछ चेक करने पड़ते हैं हमें बस। तो ये छोटा सा है इसका डिस्प्ले लाइट का डायग्राम। तो चलिए, अगर आपको अभी तक के हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए, चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।